साजिशों की बढ़ती रफ्तार। ये है भाजपा सरकार। कत्ल, अपहरण, जबरन वसूली, नारी शोषण, ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम शामिल ना हो। 3 महीने की कैद काट चुके अमित शाह को गुजरात से भी तड़ी पार कर दिया था। उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा वाले संगीन अपराध करने वाला यह भाजपाई आज किस मुंह से हिसाब मांग रहा है? आओ खोलते हैं अमित शाह के अपराधों का कच्चा चिट्ठा। भाजपा के चाणक्य पर सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति की फर्जी मुठभेड़ साजिश रचने का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में शाह के खिलाफ हत्या, फिरौती और साजिश रचने का इल्जाम भी लगाया है, जिसके चलते अमित शाह 3 महीने जेल में रहे। यही नहीं, शाह ने सन 2009 में गैर कानूनी तरीके से बेंगलुरु की एक आर्किटेक्ट महिला की निगरानी भी करवाई थी, जबकि ना तो वो महिला किसी केस की आरोपी थी और ना ही उस महिला से कानून व्यवस्था का कोई खतरा था। देश के जाने माने वकील और भाजपा से निष्कासित नेता राम जेठमलानी ने स्वयं ये बयान दिया था कि भाजपा ने उन्हें इसलिए वापस बुलाया है क्योंकि भाजपा अमित शाह के इल्जामों को छुपाना चाहती है। बाप के नक्शे कदम पर बेटा भी दौड़ रहा है और 80 करोड़ के घोटाले में जय शाह का नाम हाल ही में उछलकर सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े अपराधियों के बारे में मोदी जी ने कभी भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और यह मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को जमानती सीएम किस मुंह से बोलते हैं? अपराधियों का यह टोला मनी लॉन्ड्री के फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री वीरभद्र जी को फंसा रहा है और किस बात का हिसाब मांग रहा है। खैर, अब सच से पर्दा उठ रहा है और धीरे धीरे भाजपाइयों की करतूतों के सारे राज खुल रहे हैं। भाजपाइयों की शर्मनाक करतूतों का हिमाचल करारा जवाब देगा।